ये मौसम का जादू है मितवा। ऐसा है कि मुंबई में प्री मानसून शावर शुरू हो गया है। इतना गर्मी पड़ा इस बार, इतना गर्मी पड़ा कि जो है भगवान से प्रार्थना करते कि भैया ऐसा है कि यदि कोई सिस्टम विस्टम ठीक है तो पानी वानी गिरा दो, बहुत हो गई गर्मी है ना। आपके यहाँ भी बहुत गर्मी हो रहा होगा। अच्छा बताना जरूर कि आपके यहाँ प्री मानसून शावर या मानसून आया या नहीं आया। मुंबई में जो है वो मानसून की शुरुआत हो चुकी है। मुंबई का जो लोकेशन है बेसिकली कैसा है बेटा, ये वेस्टर्न साइड में जो है आईलैंड है, तो यहाँ पर जो है वो जो मानसूनी हवाएं वो इंटर करती है केरला से, यहाँ से के साउथ वेस्ट मानसून होता है ना हमारे यहाँ पे, तो वेस्ट वाला हिस्सा यहाँ से इंटर करता है। तो मुंबई में जो है वो प्री मानसून शावर कल रात से शुरू हुआ है और अभी रात भर पानी गिरता रहा। मुंबई में पानी ऐसे ही गिरता है, धीमे 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 गिरता रहेगा। और अभी असली व्यवस्था मालूम चलेगी आपको, जब जोरदार पानी 2-3 दिन गिरेगा ना तो मालूम चलेगा कि मुंबई में नगर निगम ने कितना काम किया है, कितना सड़कें भरा गई है। मतलब इतना बड़ा शहर है, देश का सबसे बड़ा शहर है। मतलब कहते हैं कि पूरे इंडिया में जितना अधिक जितना टैक्स कलेक्ट होता है उसका सबसे बड़ा हिस्सा अकेले मुंबई से होता है। जितने देश के बड़े बिजनेस टाइकून से जितने बड़े बड़े लोग हैं वो सब मुंबई के अंदर रहते हैं, ठीक है। उसमें कुछ छोटे लोग भी रहते हैं, ठीक है, बाकी सब बड़े बड़े लोग भी वहां रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस शहर में इतना पॉपुलेशन है यहाँ पर कि मतलब व्यवस्था को मैनेज करने में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को बहुत पैसा लगता है। और कहते हैं कि यहाँ की जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके पास इतना बड़ा बजट है, इतना बड़ा बजट किसी राज्य सरकार के पास नहीं है। कई राज्यों की सरकार के पास कम बजट है एज कम्पेयर टू दी मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सच्चाई है। पर एक बात और है, मुंबई में जो जॉब अपॉर्चुनिटी है, जो लोगों के लिए काम करने की अपॉर्चुनिटी है, वो पूरे देश में सबसे अधिक यहाँ पर है। इसलिए आप देखोगे सड़क किनारे भी जो लोग होते हैं ना वो भी अपना रोजी रोटी कमा लेते हैं। मैं कई बार सोचता हूँ कि अपने गाँव से घर छोड़कर ये यहाँ आए होंगे तो यहाँ पर इन्हें क्या मिलता रोड के किनारे रहने पर, लेकिन ये कि शायद वहाँ पर रोटी भी ना मिलती होगी जो उनको यहाँ पर नसीब हो जाती है। खैर मुंबई इज सिंपली मैजिकल के मतलब यदि आप इसको मुझसे पूछेंगे कि आपने तो देखो मैंने कई शहरों में रहा हूँ पहले, अलग अलग जगह देखा है। मेरे फादर की पोस्टिंग अलग अलग जगह हुआ करती थी तो कई छोटे छोटे कस्बे भी देखे मैंने। फिर भोपाल में मैंने पूरा पढ़ाई किया अपना और अलग अलग सिटीज देखे रहे। लेकिन यदि मैं इंडिया में कहूँ तो मुंबई एक डिफरेंट लेवल पर जाकर मतलब एक ही अलग अलग कॉस्मोपोलिटन अलग ही कल्चर है इसका, जिसको आप दिल्ली से बैंगलोर से पुणे से या कलकत्ता से किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी शहर अच्छे नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ मुंबई इज डिफरेंट, ठीक है। चल अब कई बार है ना ऐसा होता है कि हम लोग है ना, आप पूछ रहे हो कि सर आपकी सेहत कैसे हुई, आप बताओ अपना हालचाल तो बताओ, कहाँ चले गए थे, क्या बीमार हो गए थे, यार क्या हुआ, आप पूरी कहानी सुनो जरा। मतलब मैं सोचता हूँ शेयर करूँ स्टोरी आपसे। मैंने जिम जाना शुरू किया क्योंकि मेरा लॉकडाउन के दौरान मेरा वजन 4 किलो बढ़ गया। बीच में मैंने वॉक करके कुछ मैनेज करने की कोशिश की मैंने, लेकिन क्या था कि कोविड 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 इतना कोविड हो रहा था उस समय। अभी हमारे घर में 2 मम्मी और भारती दोनों को कोविड हो गया है ना, और तो पिछले 10-12 दिन से जिम जा नहीं पाया था मैं। तो बीच में मैंने जिम जाना शुरू किया, तो जिम में जब भी मैं वेट ट्रेनिंग करता था तो उसके 2 दिन तक मुझे काफी सोरनेस रहा करता था। तो मेरे ट्रेनर ने मुझसे बोला कि सर आपके डाइट में प्रोटीन कम है ना, आप प्रोटीन डाइट में लो। तो मैंने थोड़ा प्रोटीन डाइट का इंटेक बढ़ाया अपना। नॉर्मली जो है वो नॉर्मल प्रोटीन का सोर्स क्या होता है, एक टाइम पनीर वनीर कुछ कुछ बन जाता है, कर्ड लेते हैं, दाल लेते हैं, वो नॉर्मल सोर्स था। तो मैंने हाल ही में जो है वो उन्होंने बोला कि आप अच्छा वाला वे प्रोटीन पाउडर शुरू कीजिए, आप जो आते ना अपने सप्लीमेंट आते हैं। तो मैंने देखा ठीक है। मैंने फिर डाइटिशियन से भी कंसल्ट किया, हालांकि इस बार मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया, हर बार मैं अपना दिमाग लगाकर जो है वो चीजों को खारिज करता, नहीं यार नहीं करते ये सब ठीक नहीं है टाइप से। इस बार मैंने सोचा चलो यार इतने दिन हो गए वजन बढ़ता चला जा रहा है, कुछ तो मानना पड़ेगा किसी की बात, यानी आप परम ज्ञानी बन जाओ ऐसे काम नहीं चलेगा। लेकिन अपने को बाद में समझ में आया कि अपन ही परम ज्ञानी है, बाद में ये समझ में आया कि सलाह पुनुष्य परम ज्ञानी है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि हुआ ये कि हमने उनकी सलाह मान ली, 2 स्कूप प्रोटीन भी शुरू कर दिया हमने, ब्रेकफास्ट में हमने जो है वो सिर्फ ऑमलेट कार्ब कम कर दिया, कार्ब कट कर दिया एकदम से हमने, तो हमारा डाइट में प्रोटीन इंटेक बढ़ गया, सोरनेस जाने लगा। पूरा महीना भर हमने डाइट को अच्छे से फॉलो किया हमने उसमें, और उसके बाद सडनली मेरा यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया। मतलब जो नॉर्मल रहा करता था वो लेवल अपनी लिमिट के हायर रेंज तक पहुंच गया, 8.4 8.5 वहां तक पहुंच गया। और एक दिन अभी 3-4 दिन पहले क्या हुआ कि मेरे को जो है वो अपना मेरे दाहिने पैर के अंगूठे में मुझे दर्द होना शुरू हुआ उसके आसपास, तो मुझे लगा स्प्रेन हो गया होगा,
ठीक है, कभी दौड़ते हैं, वॉक करते हैं, वर्कआउट करते हैं, लेग्स तो मेरे स्प्रेन हो गया होगा, तो मैंने एज ए स्प्रेन समझ के उसको ट्रीट किया, लेकिन वो दर्द इतना इंटेंस हो गया, क्योंकि मुझे मालूम है स्प्रेन का दर्द जो है वो सबसाइड करता है, आप एनाल्जेसिक लेंगे, आप जो है वो जो है वो आप कोल्ड प्रेस करेंगे तो उससे फर्क पड़ेगा उसमें, लेकिन ये दर्द बढ़ रहा था। तो दो पॉसिबिलिटी थी, सेलुलाइटिस की और दूसरी पॉसिबिलिटी भाई कोई इंजरी लग गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, सेकेंड पॉसिबिलिटी थी गाउट की। दर्द बिल्कुल टिपिकल था, फर्स्ट जो है वो टो में किनारे पर और एकदम इंटेंस दर्द, कितना दर्द था कि सब सुई के आके खड़ा होना मुश्किल हो पा रहा था मेरे लिए। डायग्नोस्ड एज एक्यूट गाउट इन्फ्लेमेशन, जो होता ना गाउट, गाउट फ्लेयर बोलते हैं इसको, वो मुझे हुआ। और ये मैंने फिर देखा कि भाई मुझे लगा कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं मैं ज्यादा बूढ़ा हो गया हूं, ठीक है, तो मालूम चला कि नहीं साहब ये तो विराट कोहली को हो चुका पहले, विराट कोहली भी सफर कर चुके इसलिए वो वीगन बन गए बाद में, उन्होंने प्रोटीन डाइट को कम किया उन्होंने अपना, ठीक है, ऐसे कई लोगों को हो चुका। तो फिर मैंने यहाँ पर जो है मुंबई के सबसे अच्छे डॉक्टर जो है वो डॉक्टर संजय देसाई है, यहाँ पर ऑर्थोपेडिक सर्जन है, मतलब इंडिया के टॉप मोस्ट डॉक्टर में से एक है, इतने बड़े डॉक्टर है कि जब सोनिया गांधी का शोल्डर फ्रैक्चर हो गया था तो उनका ऑपरेट कर रहे मुंबई से वो दिल्ली गए थे, ही इज वन ऑफ द लीडिंग ऑर्थोपेडिक सर्जन इन इंडिया, तो मैं जानता हूं तो उनसे, तो मैं उनके पास जो है वो गया दिखाने के लिए, तो फिर फाइनली वो जो मेरा डायग्नोसिस था वही उनका डायग्नोसिस था, तो वही उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे प्रिस्क्रिप्शन में साफ साफ लिखा लो प्रोटीन डाइट। मैंने अपने ट्रेनर को खींच के भेजा कि भैया देख ऐसा है यार, हमारा डॉक्टर साहब बोल रहे हैं लो प्रोटीन डाइट, तुम बोलते हो हाई प्रोटीन डाइट, है ना, बीच का रास्ता कुछ निकालना पड़ेगा। तो समझ में आता है कि ये जो है ना, मतलब आप बोलोगे सर आप तो हमेशा बोलते हो कि बैलेंस डाइट लेना चाहिए, मैंने कहा ना आपसे कि मैंने इस बार अपना दिमाग नहीं लगाया, इस बार मैंने दूसरों का दिमाग लेकर मैंने सोचा कि चलो भाई ठीक है एक बार अपना वजन कंट्रोल करने की कोशिश तो करते हैं। देखो क्या होता है जब आप सूट वूट कुछ पहनते हो तो आपका पेट पेट पर टंग जाता है जाके, क्या अभी बीच में लॉकडाउन में बहुत ज्यादा ऐसा हो गया, खाया है, काम किया है, खाया और स्ट्रेस भी बहुत रहा, मतलब पिछले 2 साल में काफी स्ट्रेस रहा मेरे को, क्योंकि काम टीम लिमिटेड थी, काम बहुत था, ठीक है, अभी भी काम पूरा काम, मतलब बायोलॉजी का पूरा काम मैं ही देखता हूँ, रिकॉर्डिंग से लेकर डीपीएस बनाने से लेकर टेस्ट पेपर बनाने से लेकर के जो बुकलेट जो नोट्स है वो सब मेरे थ्रू जाता है, एवरीथिंग। इसके अलावा पूरे सिस्टम का मैनेजमेंट, पूरे सिस्टम का जो है वो फाइनेंस का मैनेजमेंट, पूरे सिस्टम का हर चीज टेक्निकल से लेकर हर चीज मेरे थ्रू जाता है, तो मतलब मैं अभी भी जो है वो अपने रोज में 16 घंटा काम करता हूँ, 15-16 घंटे काम करता हूँ, 15-16 घंटे काम में से 3 घंटा मेरा प्रैक्टिस का छोड़ दो आप, बाकी पूरा बायोमेट्रिक्स का टाइम होता है। तो कहने का मतलब ये कि अभी इसीलिए कई बच्चे बोलते सर आप नंदी सर शैल मैडम, तो मैं उनको साथ शामिल इसीलिए क्या हूँ, कभी मान लो मेरा स्वास्थ्य खराब हो, कुछ कुछ दिक्कत हो, तो कम से कम सिस्टम बंद नहीं पड़ना चाहिए, कोई ना कोई आदमी जगह लेके झट से अपना काम शुरू कर दे पढ़ाना, ताकि बच्चों का लॉस ना हो। सच बात तो ये कि तभी हम भी ह्यूमन बींग है कि कभी बीमार पड़ सकते हैं। तो बहुत दिक्कत के गुजरे 2 दिन, सीरियसली बता रहा हूँ मैं कि मैंने इतना दर्द जो है लाइफ में कभी महसूस नहीं किया जो एक्यूट गाउट फ्लेयर में दर्द हो जो होता है, ठीक है। फिर एनाल्जेसिक लिए, तो हालांकि ट्रीटमेंट मेरे को जैसे लगा डाउट किए है तो मैंने ट्रीटमेंट अपना शुरू कर दिया था, वही सेम ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब ने कंटिन्यू किया, सिर्फ एक होता ना वैलिडेशन कि भैया हम सही तो है, क्योंकि मैं तो ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ नहीं हूँ, तो उनके पास में इसके लिए गया। खैर ये तो बात हुई मेरे समाज स्वास्थ्य की। अब मैं आपको बड़ी मजे की, अब इस दौरान चूंकि मैंने मेरा सारा खेल कहाँ गड़बड़ हुआ, फूड को लेकर मामला गड़बड़ हुआ, तो मैंने देखा कि फूड जो है वो से कभी कभी मैं राजस्थान जब भी घूमने गया हूँ ना, तो राजस्थान में मैंने देखा है कि एक बड़ा अच्छा डिश बनता है, बहुत बढ़िया सब्जी बनती है, आपने खाई होती राजस्थान के जो बच्चे उन्होंने, केड़ सांगरी, केड़ सांगरी बोलते हैं ना बेटा उसको, केड़ सांगरी बनता है, बाजरा का बाटी बनता है, दाल बाटी चूरमा, मेरा फेवरेट फूड है, मेरा फेवरेट फूड है दाल बाटी चूरमा, तो दाल बाटी चूरमा बनता है यहाँ पे, है ना, और कोई अलग तरह का छोक लगाते हैं वो लोग, है ना, फिर वो कुछ मिर्ची का कुछ बनता है वहां पर, और केड़ सांगरी की सब्जी बनती है। तो मैं ऐसी देख रहा था, पढ़ रहा था कुछ कुछ फूड के बारे में कि भाई कहाँ से क्या, कम यूरिक एसिड वाला फूड क्या है ऐसा, तो मुझे मालूम चला कि राजस्थान में जो चीजें फेमस है केड़ सांगरी की सब्जी फेमस है, राजस्थान के लोग बहुत मिर्ची खाते हैं, राजस्थान के लोग बहुत सारा पापड़ खाते हैं, बहुत सारा अचार खाते हैं, सबसे अधिक अचार राजस्थान के लोग खाते हैं, सबसे अधिक पापड़ भी वही लोग खाते हैं, सबसे अधिक मिर्चीला भोजन भी राजस्थान के लोग करते हैं। जब मैंने इसको डीप डाइव किया, पता लगाया, तो मालूम चला कि भाई राजस्थान में जो है वो चूंकि सूखा पड़ा करता था, कई बार पुराने समय की बात है कि वहां पर पानी होते ही नहीं था, वहां पर सूखा पड़ा करता था, वहां पर बहुत कम पानी बारिश हुआ करती थी,
तो वैसे में जो है कई बार अकाल पड़ा, बहुत बार अकाल पड़ा, तो अकाल में के दौरान कि भाई कैसे कैसे हम क्या खाना जुटाए हम, तो लोग बाग जंगलों में कुछ बीनने के भी कि कुछ मिल जाए खाने को, तो उनको वहाँ पे केड़ सांगरी वाला की सब्जी का जो फली होती है वो उनको मिली, उसको लेके आए, उन्होंने देखा उसको कि भाई कुछ लोगों ने खाकर देखा कि नहीं भाई कुछ कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं इसका, तो उन्होंने इसको पकाना शुरू किया और वहां से वो जंगली जो जो फली थी ना वो उनके डाइट का हिस्सा बन गई, डेलिकेसी बन गई वहां की। किसी भी अच्छे होटल में जाओगे राजस्थान में आप, बढ़िया फाइव स्टार लेवल के होटल में जहां पर वो राजस्थानी फूड सर्व कर रहे होंगे तो केर सांगरी जरूर होगा उसके अंदर। फिर गेहूं पैदा ना हो वहां पे, तो अफ्रीका में चूंकि बहुत सूखा पड़ता था तो अफ्रीका से 400-500 वर्ष पहले जो है कुछ लोगों ने बाजरा लाके दिया, 500 वर्ष पहले आया होगा बाजरा वहां पे तकरीबन के, तो बाजरा जो है वहां पे उगना शुरू हुआ, जो वहां पे रेगिस्तानी एरिया में कम पानी के एरिया में उग जाता है बाजरा, तो उन्होंने बाजरा खाना शुरू किया उन्होंने, तो बाजरे की रोटी वो हाथ से बना लेते हैं, बाजरे की बाटी है ना एक्चुअली में जो दाल बाटी में हम लोग जो बाटी बनाते हैं अपने नॉर्थ में वो क्या करते हैं हम लोग जो है वो मध्य प्रदेश में आटा बना, आटा मोटा वाला आटा जाड़ा आटा यूज कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो बाटी बनती है वो बनती किससे, वो बनती है बाजरे के आटे से बनती है जो राजस्थान के अंदर होता है। राजस्थान में बाजरा खाने का खूब कल्चर है, केर सांगरी की सब्जी, बाजरा, गट्टे की सब्जी। गट्टे की सब्जी क्यों खाते हैं वो लोग, बेसन की सब्जी, क्योंकि भाई हरी सब्जी है ही नहीं अवेलेबल, जब हरी सब्जी अवेलेबल नहीं है तो बेसन को उन्होंने बनाया, उसको उन्होंने स्टीम किया, काट कर गट्टे का सब्जी बना दिया उन्होंने, केर सांगरी का सब्जी बना दिया उन्होंने। अचार इतना अधिक क्यों खाते हैं, क्योंकि पूरे 12 महीने हरी सब्जी नहीं मिलती है, तो जो आम आता है उस आम को काट के कच्ची केरी को काट कर जो है वो मसालेदार अचार बना लेंगे, तो अचार से गुजारा करते हैं। स्टफ मिर्च होता है, मिर्च का अचार बना लेते हैं, उससे गुजारा करते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि जो मिर्च होता है ना, कैप्सिकम जो होता है वो खून को पतला रखता है, तो वहां पे चूंकि वाटर की कमी है, इस तरह का क्लाइमेट है, तो वहां पे खून पतला रहना चाहिए, ठीक है, तो वो भी उसके लिए भी उन्होंने मिर्ची अधिक खाना शुरू किया। तो मतलब मैं सोचता हूँ कि जो फूड कल्चर है हमारा, हमारा जो फूड कल्चर है वो इतना एनरिच है कि आज भी यदि अमेरिकन साइंटिस्ट या जापान के साइंटिस्ट इंडिया में आके फूड पर रिसर्च करेंगे ना तो बहुत बड़ी बड़ी कहानियां मालूम चलेंगी। मैंने इंटरनेशनल लेवल पे 2 पेपर प्रेजेंटेशन दिए हुए हैं फंक्शनल फूड पे। एक बार मैंने बताया हुआ सिनामोन के बारे में, जो दालचीनी हम यूज करते हैं उसका वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है, वो दालचीनी डायबिटीज को कम करती है, यानी डायबिटीज की दवाओं का डोज कम हो जाता है दालचीनी का इस्तेमाल करने से। इस पर मेरा पेपर एक पब्लिश हुआ है। एक पेपर मेरा और पब्लिश हुआ है कि हमारी डाइट में जो हमारे स्पाइसेस है, फंक्शनल फूड है, उनमें क्या क्या केमिकल है जो आपके ब्लड प्रेशर को और आपके डायबिटीज को कंट्रोल करते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पर जो है फूड, यानी फूड हमारा, फूड ही हमारी मेडिसिन है। हमारे किचन में, मम्मी के किचन में जितना सामान रखा है वो सब कुछ जो है वो मेडिसिन है। इलायची से लेके, लौंग से लेके, काली मिर्च से लेके, एवरीथिंग इज मेडिसिन। और मजे की बात यह कि आज के 500-600 वर्ष पहले ही लाल मिर्ची हमारे यहाँ पे इंडिया में आया, उसके पहले हम लोग सिर्फ काली मिर्च, ब्लैक पेपर यूज करते थे, रेड चिली यूज नहीं करते थे हम लोग, सिर्फ ब्लैक पेपर यूज करते थे, बाद में रेड चिली यूज होना शुरू वहां पे। तो फूड कल्चर जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है कि कैसे वो इवॉल्व किया। मैं कहता हूं कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज है जिसको आप जब डीप डाइव करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारा नॉलेज आपको मिलता है वहां से। तो मैंने एक बार कभी चखी थी केर सांगरी की सब्जी, कहीं भी राजस्थान जब गया था तो मेरे को अच्छी लगी वो, तो मैंने उसके बारे में पढ़ना शुरू किया, देखा तो देखा अरे भाई ये तो बहुत वैसा वाला कल्चर है जो जो मजबूरी के चलते अंदर सिस्टम में आया था। फिर आप देखोगे कि राजस्थान में जो है खिजड़ी के पेड़, खिजड़ी के जो पेड़ है ना वो बड़े पूजनीय होते हैं, उनको त्योहारों में शामिल किया जाता है, और खिजड़ी के पेड़ जो होते हैं हर घर के बाहर आपको मिल जाएंगे, बड़े बड़े ट्री के। और राजस्थान में जो है जहाँ रेगिस्तानी एरिया है, जो जोधपुर का एरिया है, वहां पे कुछ उगता नहीं है, वहां पे सिर्फ खिजड़ी का पेड़ उगता है, और खिजड़ी के पेड़ पर पूरी की पूरी राजस्थान की इकोनॉमी डिपेंड करती है उस एरिया की। क्या होता है कि उस खिजड़ी के पेड़ में खूब सारी पत्तियां होती है, वो पेड़ को पानी नहीं चाहिए, वो अपना इतनी गहरी जड़ें होती है कि वो अंदर से वाटर ले लेता है, और वो उसकी जो पत्तियां होती है पत्तियों को काट कर ये बकरियों को खिलाते हैं, बकरियां जिंदा रहती है उसकी पत्तियों पर, बकरियों से दूध निकालते हैं, दूध से जो ये अपना दही बनाना, जो भी अपना मिल्क प्रोडक्ट बनाना वो बनाते हैं, ये लोग बेचते हैं उसको, ये दूध का इस्तेमाल खुद के खाने में करते हैं, बेचते हैं इसको, ये बकरियां पलेंगी और बच्चे होंगे उनको बेचते हैं, तो इनका रोजगार बेसिकली जो है एनिमल हस्बेंड्री रहता है, और डिपेंड करती है बकरी, डिपेंड करती है खिजड़ी के पेड़ पे, और बकरी पर डिपेंड करता है पूरा परिवार, यानी पूरे परिवार की जो जीवन रेखा है वो बकरी पर टिकी हुई है। तो उनके लिए गॉड कौन हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन हो गया, खिजड़ी का पेड़। वो ना हो तो बकरी नहीं पाल पाएंगे, बकरी नहीं पाल पाएंगे तो पूरा व्यवस्था चौपट हो जाएगा उसमें। तो ये राजस्थान का पूरा एक इकोनॉमिक सिस्टम है।
मेरे मेरा फ्रेंड है वो आईपीएस है यहाँ पर राजस्थान कैडर में, अमनदीप, मुझे बताया करता था जब वो नया नया पोस्टेड हुआ था कि अरे यार यहाँ तो अजीब तरह के क्राइम आते हैं, पंजाब में नहीं देखे ऐसे क्राइम। मैंने कहा कैसे क्राइम? कोई किसी की बकरी चुरा ले गया, किसी ने किसी को बकरी को टक्कर मार दी, तो बकरा बकरी वाले क्राइम आते हैं यहाँ पे। एक एरिया जोधपुर यहाँ पोस्टेड रहा कि यहाँ पे अधिकांश जो है कि एनिमल की चोरी के, एनिमल को मार दिया साहब, मेरा बकरी ले गया चार उठा के ये, तो क्योंकि वहां पे वही एसेट है, वही धन है। हर रीजन का अपना एक अलग पूरा कल्चर है। कभी आप भारत को जानने की कोशिश करो ना, ध्यान से बात सुनना, आप हिंदू मुस्लिम का चश्मा उतार के, हिंदू मुस्लिम का चश्मा उतार कर आप सिर्फ भारत जानने की कोशिश करो, आपको बहुत मजेदार कहानियां मालूम चलेंगी। आप अभी जो जिस तरह का देश में माहौल बन रहा है वो बिल्कुल भी कहीं से भी ठीक नहीं है। कि मैं किसी का सपोर्ट या किसी का विरोध नहीं करता हूं, मैं बोलता हूं, लेकिन हम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को क्या सिखा रहे हैं, क्या मिसाल दे रहे हैं, क्या हमको विज्ञान पर बात नहीं करना चाहिए, क्या हमको आगे बढ़ने की बात नहीं करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं। ठीक है, मैं कहता हूं ना कि अपनी अपनी बात सब मानो, जिसको जो मानना है वो मानो आप, ठीक है, किसी दूसरे के में कोई इंटरफेयर मत करो, ठीक है, जिसको जो जो करना है। बात इतनी सी है, देश पहले है, मैं और आप सबसे बाद में, सबसे पहले देश है, सबसे पहले हमारे लोग हैं, हमारे भारतीय लोग हैं। हाँ, ये कि कोई यदि हमारे देश के साथ में अपमान करता है, देश के साथ के अगेंस्ट बोलता है, तो वो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना बोलेंगे कि अनेकता में एकता, यही भारत की पहचान है, और हमारा कल्चर सबसे समृद्ध है। हमारे यहाँ पे जो है मैं देख रहा था कि उस जब राजस्थान की मैं फूड हिस्ट्री पढ़ रहा था कि उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने ना उनके, चूंकि उस राजस्थान के कई सारे राजा जो थे, उनके मुगल जो बादशाह थे उनसे भी अच्छे संबंध ताल्लुकात थे उनके, कई लोगों के, उन्होंने व्यवस्था मैनेज किया, उन्होंने मुगल लोगों को भी समझ बात आ गई थी कि सबको जीत के कब्जा करना मुश्किल है, तो कई राजाओं को उन्होंने अपने एक व्यवस्था बनाई कि तुम्हारे हमारे को मान लो बस हमको कि हम सम्राट है, हमारे को जो है एक हिस्सा थोड़ा सा कर का दे दिया करो, बाकी तुम अपना चलाओ, कोई दिक्कत नहीं हमको, फ्रेंचाइजी टाइप समझ लीजिए। तो वहां पे कभी उनके मुगल दरबार से लोग आया करते थे तो मुगलई डिश बनने लगी इनके यहाँ राजस्थान में। अंग्रेज आए बाद में तो अंग्रेजों का ब्रिटिश किचन अलग बनाया इन लोगों ने कि ब्रिटिश डिश भी सीखते हैं, चलो पास्ता कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, अपना पिज्जा कैसे, जो भी वॉट इटालियन अंग्रेजी डिशेज, सैंडविच फैंडविच, वो सब बनना शुरू हुआ यहाँ पे। तो हम लोग जो है ना, वो हम लोग कोई पुराने, एक्चुअली हम लोग बहुत पुराने हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, गौतम बुद्ध, हम बहुत पुराने लोग, जितने जितने टर्बुलेंस भारत ने देखे हैं ना उतने किसी दुनिया के देश ने नहीं देखे होंगे। भारत जो है वो महान देश है, इतिहास में लिखा है, हर आदमी भारत खोजता था। तो हमारे पास जाहिर सी बात है बहुत सारा इंटरेक्शन होगा तो बहुत सारा वेरिएशन होगा, बहुत सारा वेरिएशन होगा तो अनेकताएं होंगी, जब अनेकताएं होंगी तो थोड़े थोड़े कन्फ्लिक्ट भी होंगे। परिवार में आते हैं, चार बच्चे होते हैं, गुस्सा लड़ लेते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि बाहर के देश हमको ज्ञान दे आके, बाहर के देशों का ज्ञान नहीं चाहिए हमको भाई, हमारे परिवार का मामला है। ठीक है, हो सकता है लोग राजी हो ना हो, और उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, लेकिन मेरा मानना ये है ऐसी कोई भी बात जो दूसरे के दिल को ठेस पहुंचाए, ऐसी कोई भी चीज जिससे हमारे देश का सामंजस्य बिगड़े, ऐसी कोई भी चीज जिससे हमारे छोटे बच्चों पर गलत असर पड़े, आप मेरी बात से बिल्कुल असहमत हो सकते हैं, चार बातें मुझे भी कह सकते हैं, पर मैं यही बोलूंगा, मेरे लिए तिरंगा सबसे पहले है, मेरे लिए जनगणमन की धुन सबसे बड़ी धुन है, मेरे लिए देश पहले है, बाकी चीजें सेकंड। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।